एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी विद्यार्थी बहुत ही अच्छे से क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। सभी विद्यार्थी बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस को पढ़ रहे होंगे। उम्मीद है बच्चों, क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा होगा और सभी क्वेश्चंस आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स में इंक्लूड कर रहे होंगे और अपने लर्न कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज इसी क्रम में बच्चों हम लोग इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 13 लेके आए हैं और इसके 20 क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको वन वर्ड सब्टिट्यूट, ट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस और स्पेलिंग और ग्रामर के कॉमन एरर के क्वेश्चंस तथा फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम, सिनोनिम, देयर आर मेनी टॉपिक्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन दिस सीरीज। ओके, तो चलते हैं हम सभी पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ही डैश कम इफ यू हैड कॉल्ड हिम। इसमें ऑप्शन मिल रहा है कैन हैव, शैल हैव, फिर वुड हैव और तीसरा ऑप्शन हम सभी को मिल रहा है मे हैव। तो बताएं बच्चों कौन सा आंसर हम इसको करेक्ट माने। पहला ऑप्शन है कैन हैव, दूसरा ऑप्शन है शैल हैव, तीसरा वुड हैव और चौथा मे हैव। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बताइएगा। यहाँ पर आपको एक रूल बताया गया था फ्रेंड्स कि जब इफ़ वाला क्लॉज हैड में हो तो आपको बाद वाले क्लॉज में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम सभी को वुड हैव का प्रयोग करेक्ट है। ठीक है, दूसरा एक रूल बताया गया था कि यदि इफ़ वाला क्लॉज पास्ट इंडिफिनिट में होगा तो हम सभी इसको वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या शुड प्लस वुड का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा हम सभी फर्स्ट ऑप्शन को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा, इफ़ वाला क्लॉज हैड में है तो आप इफ़ के बाद या पहले वाला क्लॉज वुड हैव, शुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। हार्डली डैश रीच्ड हर होम When द रेन स्टार्टेड। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों और मुझे लगता है कौन सा ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ ये पूछा न गया हो। ठीक है, एक नो सूनर वाला रूल, नो सूनर, इसके साथ हमेशा दैन का प्रयोग किया जाता है और हार्डली, इसको नोट करते चले, हार्डली या स्कार्सली। ठीक है, स्कार्सली इसके साथ वेन का प्रयोग किया जाता है। जब नो सूनर मिले तो फटाफट दूसरे क्लास में दैन लगाएं और स्कार्सली या हार्डली मिले तो वेन या बिफोर, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, बिफोर का भी प्रयोग यहाँ किया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, ये तो आपने लर्न किया, फिर आप देखेंगे हार्डली के बाद। ठीक है, हार्डली के बाद, स्कार्सली के बाद और नो सूनर के बाद हमेशा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। ये क्रियाकलाप इन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, इसका मीन्स जिस ऑर्डर में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा उस ऑर्डर को चेंज करके इंट्रोगेटिव के फॉर्म को लिखते हैं। ये सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम सभी क्या कहते हैं, इन्वर्जन स्टाइल कही जाती है। और यहाँ पर तब अब देखिए, हार्डली के बाद सीधे हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, तो अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा आएगा? जब सब्जेक्ट नहीं आएगा तो पहला ऑप्शन गया काम से और चौथा ऑप्शन गया काम से, या तो हैड आएगा या तो डिड आएगा। अब आप बताइए कौन सा होगा। जब यहाँ पर रीच्ड लिखा है तो हैड करेंगे, डिड होता तो रीच होता तो डिड करते, समझ पा रहे हैं ना। चलिए इसको और भी कन्फर्म करते हैं, हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर प्लस अगर हैड हो बच्चों तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, नोट करें, अब हैड ना हो, डिड हो तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, यही नोट कर लें, आपका काम हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर हम सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बी ही क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ रीच्ड आया है। ठीक है, वो इवन दिया ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। द बॉस वांटेड टू नो डैश डन द जॉब। बताएंगे यहाँ क्या करना पड़ेगा। बॉस जानना चाहता था क्या, हाउ आई हैड डन द जॉब, दैट हाउ हैड आई डन द जॉब,
हाउ वुड आई हैड डन द जॉब, हाउ आई हैड डन द जॉब, बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट करें। देखिए ये क्या है सेंटेंस में, ये जो क्लॉज है बॉस जानना चाहता था, यहीं पर आप बात ख़त्म कर दें। अब यहाँ पर जब आप सब जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज में बदलेंगे और सबॉर्डिनेट कंजक्शन को लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जब जो क्वेश्चन वर्ड रहता है वो एज जो क्वेश्चन वर्ड है वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ होता है और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद तुरंत सब्जेक्ट आता है। ये स्टाइल आप इसको फॉलो करेंगे तो अपना करेक्ट आंसर निकल के आएगा, क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं हाउ आई हैड डन द जॉब, अब आपको पहले ही मिल गया। अब डबल कंजक्शन कैसे आएगा दैट और हाउ, और इसको तीसरे ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन वर्ड का फॉर्मेट अपना दिया, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अब सब्जेक्ट ला रहा है तो ये गलत हो गया। हाउ हैड आई यहाँ भी वही फॉर्मेट अपनाया तो आपका जो है बी सी डी गलत है, ए सही है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, जब ये क्वेश्चन वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है तो इसके बाद सब्जेक्ट आता है। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। व्हीकल फॉर कैरिंग अ डेड बॉडी इज कॉल्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है फ्रेंड्स, बताएं। एक ऐसे वाहन की बात हो रही है जो डेड बॉडी को ढोने के लिए काम आता है, यानी लाश को ढोने के लिए जिस जो है गाड़ी का काम, वाहन का, व्हीकल का यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एम्बुलेंस, कार्ट, हेयर्स या व्हीकल। बहुत से बच्चे एम्बुलेंस सही कर देंगे लेकिन आप गलत हैं विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एम्बुलेंस बीमार इंसान को हॉस्पिटलाइज करने के लिए मंगाया जाता है। अब भाई बीच रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाए तो एम्बुलेंस तो डेड बॉडी को घर पहुँचाएगा ही ना, लेकिन यहाँ स्पेशल डेड बॉडी को ही ढोने के लिए जिसकी यूज़ होती है तो वो हेयर्स कहलाता है, व्हीकल नहीं कहलाता। ठीक है, एच ई ए आर एस ई, अगर हेयर्स करके याद करेंगे तो आपको एच ई ए आर एस ई स्पेलिंग याद रहेगी। एम्बुलेंस बीमार व्यक्तियों को हॉस्पिटलाइज कराता है, मृत्यु हो जाए तो घर भी पहुंचाता है, तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि कैटेगराइज कर दें। डेड बॉडी को ढोने के लिए हेयर्स का यूज़ किया जाता है, सिर्फ लाश को ढोने के लिए ही बनाई गई विशेष प्रकार की गाड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, डेमोग्राफी, कॉस्मोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी, कैलीग्राफी, विच ऑप्शन विल आवर करेक्ट आंसर, बताएं। ग्राफी ग्राफी ग्राफी, ध्यान रखिए विद्यार्थियों, ग्राफी अगर आए ठीक है तो ये हमेशा लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। आज मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी गड़बड़ हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए हिम्मत बना के रखती हूँ। चलिएगा, लिखने के लिए ग्राफी का यूज़ होता है, ग्राफ का प्रयोग। अब देखिए डेमोग्राफी, कॉस्मोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी या कैलीग्राफी, तो इसमें क्या होगा? यस फ्रेंड्स, यहाँ पर कैलीग्राफी करेक्ट होगा, यानी कि डेकोरेटिव हैंड राइटिंग दैट इज कॉल्ड कैलीग्राफी, डेकोरेटिव हैंड राइटिंग दैट इज कॉल्ड कैलीग्राफी। ठीक है, कैलीग्राफी मतलब होता है सुलेख या कह सकते हैं सुंदर लेखन, और कैलीग्राफी हो गया कैकोफोनी, हो कैली कैकोफोनी और यूफोनी तो प्लीजेंट और हार्श साउंड है, फोनी मतलब आवाज़। डेमोग्राफी मीन्स होता है जनसांख्यिकी, ठीक है, जनसांख्यिकी या जनांकिकी मतलब जनसंख्या के बारे में, जनांकिकी या जनसांख्यिकी, ये डेमोग्राफी था। और लेक्सिकोग्राफी का मतलब होता है, लेक्सिकोग्राफी का मतलब होता है कोश कला या डिक्शनरी, ए आर वाई रहता है, डी आई सी टी आई ओ एन ए आर वाई, डिक्शनरी मतलब केश रचना या कोश कला। ठीक है, कोश रचना या कोश कला
लेक्सिकोग्राफी। पहले लेक्सिकोग्राफी इंग्लिश लिटरेचर में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को माना जाता है, जिनको डॉक्टर जॉनसन भी कहते हैं। पहली बार इंग्लिश की डिक्शनरी उन्होंने ही लिखी थी, जो कि 1775 से लेकर के 1798 तक थे। ठीक है, ये चलिए हम लोगों का कंफर्म होता है। आगे बढ़ते हैं कॉस्मोग्राफी, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, ब्रह्मांड विज्ञान यानी कि सृष्टि वर्णन, दैट्स इट कॉल्ड कॉस्मोग्राफी। कॉस्मस होता है ना, कॉस्मस माने ब्रह्मांड, उसी से कोरिलेट कर लीजिए। और जो है कॉस्मोग्राफी या मतलब कॉस्मोपोलिटन होता है कि एक ऐसा इंसान जो देश के राज्य के किसी सीमा को ना मानता हो, पूरे ब्रह्मांड को अपना घर मानता हो, ब्रह्मांडवादी, दैट पर्सन इज कॉल्ड, ठीक है, कॉस्मोपोलिटन। ओके, तो यहाँ पर हम सभी समझ गए ना कि आपका कैलीग्राफी इट मींस द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग और अ डेकोरेटिव हैंड राइटिंग, दैट इज कॉल्ड कैलीग्राफी। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। मर्डर ऑफ ब्रदर, भाई की हत्या, विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन बताएंगे, भाई की हत्या, ये हो जाएगा किलिंग ऑफ किंग, किलिंग ऑफ अ किंग, राजा की हत्या, राजा रेजिसाइड, ऐसे दिमाग में रख सकते हैं, राजा की हत्या, मर्डर ऑफ किंग, होमिसाइड, मर्डर ऑफ ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बीइंग, मनुष्य की हत्या, नर हत्या, फेट्रिसाइड। आपको फ्रांस की क्रांति पता है ना, 1789 में तीन शब्द इसके नारा बने, क्या क्या, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व यानी कि इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, और क्या था, स्वतंत्रता, समानता यानी इक्वलिटी, समानता, और क्या था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो स्वतंत्रता आपका फ्रीडम हो जाएगा, समानता इक्वलिटी हो जाएगा, फ्रेटर्निटी बंधुत्व हो जाएगा। तो फ्रेटर्निटी बंधुत्व यानी भाईचारा, तो भाई की हत्या फ्रेट्रीसाइड, पेट्रीसाइड मतलब होता है पेरेंट्स की हत्या यानी माता पिता दोनों, ठीक है, चलते हैं, फेट्रीसाइड भाई की हत्या। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 7 पर। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर, पूजा करने वालों का समूह यानी पूजा करने वालों की सभा, हम लोग क्या कह सकते हैं, धार्मिक सभा, धार्मिक सभा, ठीक है, क्या होगा बताएंगे, कॉन्फ्लेग्रेशन, इसका मीन्स होता है फ्रेंड्स, कॉन्फ्लेग्रेशन का मतलब अग्निकांड यानी कि बहुत जो है बड़ी मात्रा में कहीं पर आग लग जाए, दैट इज कॉल्ड अग्निकांड। कन्फ्रंटेशन मतलब मुकाबला या सामना, मुकाबला या सामना, दैट इज कॉल्ड कन्फ्रंटेशन। फ्रंट से आप सामने ध्यान रखिएगा, आपको नहीं भूलेगा, ठीक है, फ्लेम से आगे याद रखिएगा तो नहीं भूलेगा, कन्फ्लेग्रेशन। कांग्रेगेशन मीन्स होता है धार्मिक सभा, आई होप आप नोट कर रहे होंगे बच्चों, नोट करते रहिए, धीरे धीरे एक कलेक्शन आपके पास हो जाएगा, वही कलेक्शन आपको एग्ज़ाम में पास आउट कराएगा, क्योंकि धीरे धीरे ही संग्रह होता है, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो चार चार स्पेलिंग अगर एक क्वेश्चन में आप सीख रहे हैं तो इसका मीन्स आप सोच लीजिए 20 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, और चार ऑप्शन, चारों यूनिक ऑप्शन डाले जाते हैं, जो बेकार से ऑप्शन होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है, ताकि बच्चों को और भी एक क्वेश्चन में जो है बहुत सारे क्वेश्चन मिले, यानी कि किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, ठीक है। तो मेरा प्रयास रही रहता है कि एक क्वेश्चन में बच्चों को चार क्वेश्चन मिले और चार प्रकार के रूल बताए जाएं, ताकि बच्चों को अगर 20 में 4 का आप गुणा करेंगे तो सभी बच्चों को पता है क्या होता होगा, चलते हैं कितना इकट्ठा हो जाएगा। डी ऑप्शन पर चलेंगे, ग्रेनरी मीन्स होता है, सभी लोगों ने मोहनजोदड़ो का पढ़ा है ना, अन्नागार, ठीक है, तो अन्न भंडार या अन्नागार, दैट इज कॉल्ड ग्रेनरी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कांग्रेगेशन। कांग्रेगेशन आप याद अगर पढ़ेंगे तो आपको कांग्रेगेशन स्पेलिंग नहीं भूलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
ही एंड हिज फ्रेंड आर सेलिंग इन द सेम बोट। अब यहाँ पे सेलिंग इन द सेम बोट जो है वो आइडियम्स एंड फ्रेजेस वाला एक्सप्रेशन है, यानी कि वह और उसका मित्र दोनों क्या है, सेलिंग इन द सेम बोट, यानी एक नाव में यात्रा करने वाले हैं, यानी कि एक ही प्रकार की उनकी बुद्धि विचार होंगे। आप इसको कोरिलेट करें, देखिएगा बच्चों आपको बताया गया शाब्दिक मीनिंग पर आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले यदि आपको नहीं मालूम है, तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको नहीं मालूम है तो आप एलिमिनेशन वाली स्टाइल को अपना करके, मुझे लगता है कि जो है अगर आपने 20 क्वेश्चन में एलिमिनेशन किया तो आपके 15 to 17 क्वेश्चन करेक्ट हो जाने हैं। क्यों? क्योंकि उस दो ऑप्शन को आपने तुरंत हटा दिया जो आपको उलझा सकता था। बाकी बचा दो ऑप्शन, यदि आप पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं ऑप्शन से कोरिलेट करके आंसर निकल जाता है। अब आप भाई बिल्कुल नहीं आ रहा है, पढ़े ही नहीं हैं, राम के नाम पे चले गए, तो ऐसे नहीं होगा ना। जब आप मेहनत करके जाएंगे तब आपका तुक्का भी काम करता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, मुझे लगता है आपको भी अनुभव हो ही जाएगा कि जब आप पढ़े रहते हैं तभी आप ढूंढ पाते हैं, जब नहीं पढ़े रहते हैं तो नहीं ढूंढ पाते। ठीक ना, तो यहाँ पर आप पहले तो एलिमिनेशन वाली स्टाइल अपनाइए कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। जो नहीं होगा वो शाब्दिक में नहीं होगा। आप चलिए पहले ढूंढते हैं कौन सा नहीं होगा। ए ऑप्शन कह रहा है सेलिंग टुगेदर इन द सेम बोट। अब देखिए पहले ऑप्शन कह रहा है ना एक ही बोट में सेलिंग, मतलब तैरना, गलत हो गया ना, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखिए शेयरिंग द फाइनेंशियल एंड सोशल कंडीशन, तो फाइनेंशियल एंड सोशल कंडीशन को एक दूसरे को शेयर करना, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी सामाजिक स्थिति नहीं ठीक है, ये नहीं होगा। तीसरा देखिएगा डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब क्या, बीइंग इन द सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, दिस वन इज आवर करेक्ट आंसर। चौथा ऑप्शन अगर हम सभी देख लें तो चौथे ऑप्शन में कह रहा है गेटिंग रीड ऑफ द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो कहाँ आप छुटकारा पा रहे हैं भाई, जब कह रहा है सेलिंग इन द सेम बोट, एक ही प्रकार की बोट में आप तैर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहा है ना कि कूद रहे हैं उससे, अगर ऐसा करता तो चौथा हो जाता। गेट रीड ऑफ मीन्स होता है त्यागना या छुटकारा पाना, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है, बाकी तीनों इनकरेक्ट है। समझ पाए? यदि हाँ तो फटाफट वीडियो को लाइक करें। चलें क्वेश्चन नंबर 9, टू मिस द बस मीन्स, अगर किसी की बस मिस हो जाए तो उसको क्या कहेंगे। ये एक आइडियमिक इन्फ्लेक्शन एक्सप्रेशन है बच्चों, इसका मतलब आप ऐसे समझ लीजिए अवसर को चूक जाना। बस अगर आप एग्ज़ाम देने गए, पीटी की परीक्षा होने वाली है, आप एग्ज़ाम देने गए, आपकी बस छूट गई, इसका मतलब आपने मौका ही गंवा दिया। क्यों? दूसरी वाली बस पता नहीं कब आएगी, किस टाइम आपको पहुंचाएगी, हो सकता है वो जो है लेट हो जाए, रास्ते में ख़राब हो जाए, देयर आर मेनी सिचुएशन कैन बी। चलिएगा टू मिस द बस वन, देख रहे हैं ना पहले ही मिलता जुलता ऑप्शन जो शाब्दिक मीनिंग हो उसको हटा दें। टू मिस द बस दैट वन रेगुलरली टेक्स, देख रहे हैं ना, ये सीधा सीधा बस मिस करने की बात किया। दूसरा ऑप्शन टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, यही सही है, अवसर को गंवा देना। तीसरा ऑप्शन टू हैव समथिंग फॉल बैक अपॉन, यानी कि किसी चीज़ से फटाफट गिर जाना, कुछ भी नहीं ऐसा होगा। टू फाइंड फॉल्ट विद अदर, दूसरों की गलती ढूंढना, इसका तो कहीं संबंध ही नहीं लग रहा है। तो टू मिस द बस मीन्स अवसर को गंवा देना। ठीक है, आइडियमिक एक्सप्रेशन है बच्चों, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप आंख बंद करके अगर सोचें कि अंधेरा हो गया तो आपकी गलत फहमी है, आंख बंद करने से अंधेरा नहीं होता, आपको एक एक क्वेश्चन पे मेहनत करना पड़ेगा। यू विल हैव टू टॉयल हार्ड, ओके, ऐसा मेहनत करना है जो कठिन परिश्रम शब्द कहलाता है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक, एक एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है, एक एक नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए बच्चों जिसकी रात पसीने से भीगती है वही दिन में उजाला करता है, समझ में आ रहा होगा आई होप आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, पंखा बंद करके पढ़ें, रजाई में से निकल के पढ़ें, आप किसी भी परिस्थिति में पढ़ें, लेकिन जब तक पढ़ेंगे नहीं बच्चों कुछ भी नहीं हो सकता। विदाउट वर्किंग हार्ड यू कैन नॉट
पास योर एग्जामिनेशन। ये भगवान वाला सिस्टम नहीं है कि हाथ जोड़े और फिर ये कहानियाँ नहीं है जीवन। जीवन में मेहनत करना पड़ता है। आई होप बच्चों आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। भागिएगा नहीं, मेहनत तो करना ही है, ठीक है, धीरे धीरे ही सही लेकिन चलते रहना है, रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फ्रेंड्स। सम पीपल डू नॉट ग्रीज एनी बडीज पाम। तो इसको पहले ध्यान रखिए, हथेली गर्म करना हिंदी में कहा जाता है ना, इसका मतलब हाथ को रगड़ना, किसी को धोखा देना, घूस देना, चापलूसी करना कि लड़ाई करना। तो लड़ाई करना तो सबसे पहले हटा दें, ठीक है। अब देखिए हथेली को गर्म करना, तो हथेली गर्म करना मतलब घूस देना, धोखा देना भी नहीं, चापलूसी करना भी नहीं। हथेली गर्म करना मतलब होता है टू ब्राइव समवन, इट मीन्स किसी को रिश्वत देना अपनी काम कराने के लिए। ये घूमता हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में कहीं पर भी आपको पकड़ सकता है, ओके। तो आप जो है इससे छिप नहीं सकते, ये आपको ढूंढ ही लेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इट इज़ मोर बेटर टू टेक दिस रूट देन द अदर वन। बताइएगा, इस मोर बेटर को आपको हटाना है। यदि हटाएंगे तो गुड लगाएंगे, बेटर लगाएंगे, मोर गुड लगाएंगे, या हटाएंगे ही नहीं, सही है तो नो इम्प्रूवमेंट लगाना है। बताइएगा, आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, बताएं। इट इज़ मोर बेटर, आपको मिल रहा है ना, डबल कंपरेटिव डिग्री नहीं यूज़ की जाती है, डबल कंपरेटिव डिग्री नहीं यूज़ की जाती है, समझ में आ रहा है ना। सामान्यतया कब यूज़ की जाती है, जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की बात हो, जैसे मैं लंबा ज़्यादा हूँ, अच्छा कम हूँ, तो हो जाएगा आई एम मोर टॉल, लंबा ज़्यादा हूँ देन गुड, मतलब मैं अच्छे की तुलना में लंबा ज़्यादा हूँ। तो एक ही व्यक्ति के दो गुणों की आपस में तुलना हो तो डबल यूज़ कर सकते हैं, तब आप इसको टॉलर नहीं बनाएंगे, लेकिन सामान्य परिस्थिति में यू कैन नॉट यूज़ डबल कंपरेटिव डिग्री इन अ सेंटेंस टुगेदर, ओके। तो यहाँ पर बेटर होगा, कैसे बेटर होगा बच्चा लोग, देखिए देन आया है ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देन आप देख लीजिए, देन आया है, इट मीन्स बेटर विल बी यूज़, ठीक है। चलिएगा, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान है, ठीक है। अब ऐसा मैं आत्मविश्वास से क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको बताया है, तो मुझे पूरा यकीन है विद्यार्थियों आप करेक्ट आंसर देंगे। कुड को रिप्लेस करना है, विल को रखना है, कैन रखना है, शुड रखना है, या रिप्लेस नहीं करना है, तो ऑप्शन डी नो रिप्लेसमेंट, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बताइएगा क्या होगा। ही इज सो इंटेलिजेंट देन ही कुड। देखिए बाबू, आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट प्लस जो हेल्पिंग वर्ब है यदि प्रेजेंट में है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, टी डबल ओ टू रहता है प्लस टी ओ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, तो जब आप इसको चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में यदि इज एम आर है, इज एम आर है, फिर आपका जो है सो रहता है, प्लस एडजेक्टिव रहता है, प्लस दैट रहता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन यूज़ करते हैं, ठीक है, जब प्रेजेंट रहता है आगे, और जब पास्ट रहता है मतलब ये इज एम आर के जगह पे वाज वर आप कर दीजिए तो कैन के स्थान पे कुड कर देंगे। तो अब आगे मिल गया हिंट ना, कि इज जो है, इज आपका ध्यान रखेंगे, इज आया है तो कुड नहीं होगा, कैन यूज़ होगा। बात समझ पाए ना। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलूँ, देख सकते हैं, आई एम टी डबल ओ टू, ठीक ना, फिर कह दें टायर्ड, मैं इतनी थक गई हूँ कि आपको बता नहीं सकती, तो हो जाएगा टू टीच यू, पढ़ा नहीं सकती आपको। अब आप क्या, फिर मैं इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ, आई एम सो टायर्ड, ठीक ना, दैट आई कैन नॉट टीच यू, ये सही है। अगर यहाँ पर मैं थक गई थी कहती तो आई वॉज टू टायर्ड टू टीच यू, ये मैं कहती, तो मैं इसको चेंज करती तो आई वॉज सो टायर्ड दैट आई कुड नॉट, मैं पढ़ा नहीं सकी,
आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. यस यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट. बताएंगे अब आपका पता चल गया ना कि कुड क्यों नहीं यूज होगा, कैन क्यों यूज होगा, पता ही चल गया होगा बच्चों. तो फटाफट लगा लें बी आंसर. ओके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर. एंटोनिम ऑफ द वर्ड डेफ्थ. डेफ्थ मीन्स क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा? डेफ्थ मीन्स क्या होता है? डेफ्थ मीन्स होता है गहराई या गहरा. कहते हैं ना डेफ्थ में नॉलेज लो, डीप डेफ्थ. बताएं अब इसका एंटोनिम पूछा है भाई. एंटोनिम बराबर अपोजिट. पहले प्रश्न को पढ़ें फिर आंसर करें. डीप इसका सिनोनिम है. फील्ड मींस भरा हुआ. हॉलो मींस क्या होता है? हॉलो मींस होता है खोखला. सैलो मींस क्या होता है? यही इसका एंटोनिम है. सैलो मींस छिछला, स्वभाव से ओछा. ठीक है तो यहाँ पर सैलो होगा, खोखला नहीं होगा. डेफ्थ खोखला होता है, ये लगभग सिनोनिम है. फील्ड भी सिनोनिम है. सैलो मींस होता है खोखला, यानी कि बहुत ज़्यादा गहरा ना हो. दैट इज कॉल्ड सैलो एंटोनिम ऑफ डेफ्थ. नोट कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए. क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे. एंटोनिम ऑफ द वर्ड गेस्ट. सभी बच्चे जान गए, सीनियर, सर्वेंट, होस्ट, मेड. ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है और मुझे लगता है ईजीएस्ट ऑफ द इजी क्वेश्चन. मुझे यही लगता है. आपको क्या लगता है आप बताइए. सही बता देंगे तो इसका मींस इट इज इजी. अगर गड़बड़ हुई तो सीख जाएंगे. ये मत सोचिए बच्चों कि मुझे नहीं आ रहा, ये सोचिए नहीं आ रहा है तो पढ़ लेंगे और पढ़ लेंगे तो आ जाएगा. ये नहीं सोच रहा है अरे मुझे तो आता ही नहीं, मैं क्लास ही नहीं अटेंड करना, मेरे को नहीं आ रहा है. नहीं बाबू, आपको धीरे धीरे आएगा, बट आप कंटिन्यू लगे रहें. ठीक है. सीनियर इसका नहीं होगा, सर्वेंट नहीं होगा. होस्ट मीन्स होता है मेजबान. मेजबान यानी मेहमान नवाजी करने वाला, गेस्ट मतलब मेहमान. और यहाँ पर पूछा ही है आपसे एंटोनिम. ठीक है, आई होप आपने समझ लिया. मेड तो बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर. राम वॉज सीनियर देन सैम इन कॉलेज, नो एरर. ये तो आपको याद ही होगा. प्रिफर, प्रिफरेबल, नोट करते चलें. प्रिफरेबल ठीक है. सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर ठीक है, सुपीरियर. इसके साथ हमेशा टू का यूज होता है इन प्लेस ऑफ देन. वी ऑलवेज यूज टू इन कंपरेटिव डिग्री. ओके अब बताएंगे, मिल गया ना, टू यूज होगा. यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर. ठीक है, बी उल्टा चलता है पता ही होगा. ऑप्शन नंबर बी, इन प्लेस ऑफ देन वी ऑलवेज यूज टू. ओके क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाएं. आई एंड हिम आर वेरी गुड फ्रेंड्स, नो एरर. इसको बताएं 16 नंबर क्वेश्चन क्या किया जाए. देखिएगा एक नियम है जिसको 231 कहा जाता है. पर्सनल प्रोनाउन के तीन प्रकार, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. अब आप देख पा रहे हैं टू बराबर सेकेंड पर्सन, थ्री बराबर थर्ड पर्सन, एक बराबर फर्स्ट पर्सन. जब हम इसको लिखते हैं तो 21, 23, 31 में लिख सकते हैं. और दूसरी बात, कभी भी ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट के स्थान पे आ नहीं सकता. ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ये आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, आ नहीं सकता. तथा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी सब्जेक्ट नहीं बनता, मतलब माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता. अब पहले तो ये गड़बड़ है इस पहले वाले पार्ट में, मतलब आंसर ए सही है. दूसरा कि क्रम भी तो गलत है. 21 का नियम लगाएंगे, 31 का नियम लगाएंगे तो ही एंड आई होगा.
ही एंड आई होगा, समझ में आ रहा है ना, ही एंड आई आर। अब बहुत से बच्चों को लग रहा होगा आई के साथ तो आर कभी नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं आपने पढ़ा, आपने ध्यान नहीं दिया। देखिए ही एंड आई जब लिखेंगे तो दोनों मिला के प्लूरल हो गया ना। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं आई के साथ आर कब आता है, आई के साथ इस कब आता है, आई के साथ एम हमेशा क्यों आता है, ऐसे सेंस में बच्चों ये ही आई बराबर प्लूरल और आर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बहुत से विद्यार्थी हिम के साथ आर को पचा नहीं पाए होंगे, उसने बोला होगा, बहुत से बच्चे यही दिमाग में ला रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, लेकिन नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है ही एंड आई, ऐसा क्रम सही है। ठीक है, आर करेक्ट है बाबू, क्यों, क्योंकि ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा कि इनको प्लूरल मानते हैं और जब आई होगा तो हमेशा फर्स्ट पर्सन का आवर और माई का यूज़ किया जाता है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द जॉब, इजंट इट, हैज दे, हैवंट दे, वांट दे, बताइए कौन सा सही होगा। क्वेश्चन टैग, एक क्वेश्चन जरूर मैं कोशिश करती हूँ कि आपको क्वेश्चन टैग का दिया जाए और वो भी आया हुआ क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप रूल को कितनों भी पढ़ें, बार बार पढ़ें, भूलना स्वाभाविक है, भूलेंगे नहीं तो आप नया सीखेंगे नहीं, भूलेंगे तभी नया सीखेंगे। जब आपको लगेगा ये पार्ट मेरा भूल रहा है तो आप उसको रिवीजन करेंगे और फिर से वो तरोताज़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इस बात को दिमाग में ज़रूर रखें कि प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस और समय समय पर खुद को अंदाजना कितना आवश्यक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो हर विद्यार्थी हिस्ट्री में यही सीखता है कि राजा महाराजा जब युद्ध नहीं करते थे तो युद्धाभ्यास किया करते थे, क्यों, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो उन्हें उनके शरीर में ओवर फैट हो जाए, कहीं ऐसा ना हो उनको तनिक सा भी आलस लगे, कहीं ऐसा ना हो कि उनका शरीर उतना एक्टिव ना फील करे युद्ध मैदान में जितना एक्टिव उनको करना चाहिए। इसलिए ही यूज़ टू प्रैक्टिस मेनी टाइम्स, ओके। आप देखें आर्मी के जवानों को बार बार मैदान में दौड़ क्यों लगवाई जाती है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस बनी रहे, उन्हें आदत बनी रहे, वो तुरंत प्रेजेंस ऑफ माइंड और बॉडी को यूज़ कर सकें। इसीलिए हर योद्धा को, एग्ज़ाम का हर योद्धा बिना प्रैक्टिस के अच्छा विद्यार्थी नहीं माना जाता, प्रैक्टिस मेक्स एंड मेक्स परफेक्ट। ठीक है, इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करें, देख रहे हैं ना, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब आप प्रैक्टिस करेंगे तब जान पाएंगे क्यों, बताया गया था कि जब जो सेंटेंस होगा वो अफर्मेटिव में हो तो टैग हमेशा निगेटिव में होगा और सेंटेंस निगेटिव में हो तो टैग अफर्मेटिव में होगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मिल रहा है दे हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड द जॉब, तो हैवंट दे, क्यों भाई, क्योंकि दे और हैव यहाँ सब्जेक्ट हुआ तो हैवंट दे यहाँ का क्वेश्चन टैग बना, आप समझ पा रहे हैं ना, टेंस चेंज नहीं करते इसलिए विल नॉट नहीं करेंगे, हैज दे के साथ यूज नहीं करेंगे, इट क्यों करेंगे जब यहाँ सब्जेक्ट दे है, बात समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। He will not work - he is compelled. Compelled means होता है मजबूर किया जाना, passive voice में है sentence, बाद वाला, वह तब काम नहीं करेगा, मजबूर होने के बाद, जब तक उसे मजबूर नहीं किया जाएगा, जब तक उसे मजबूर नहीं किया जाएगा, जब तक उसे मजबूर किया जाएगा। मैं ये तीन बार चार बार जो बोली हूँ वो मैंने ऑप्शन को लेकर के मीनिंग निकाल दिया। अब आप देखिएगा आफ्टर का प्रयोग होता है के बाद में, ठीक है ना, अनलेस का प्रयोग होता है जब तक नहीं, कंडीशन के साथ यूज होता है, अनटिल का प्रयोग भी होता है जब तक नहीं, टाइम के लिए यूज होता है, ठीक है, और टिल का प्रयोग होता है तक के अर्थ में। अब बताइए जब तक नहीं का मीनिंग निकल रहा है ना, और टाइम की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, ठीक है, इसलिए जब तक नहीं यानी अनलेस इज आवर करेक्ट आंसर। अनलेस वाला क्लॉज हमेशा प्रेजेंट में रहेगा तो बाद वाला फ्यूचर में, बाद वाले में नॉट का प्रयोग करते हैं, अनलेस वाले में
नहीं करते। समझ पा रहे होंगे आप। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19 पर। चूज द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इपिडेमिक। बताइए बच्चों, इपिडेमिक का सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम बराबर पर्यायवाची। इपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक, तमाम बीमारियां, कोरोना से रिलेटेड, ये शब्द आपने सुना ना, पेंडेमिक, इपिडेमिक, एंडेमिक। तो इसको याद रखिए बच्चों, कोई भी बीमारी किसी निश्चित एरिया तक अगर फैल के रह जाए, दैट इज कॉल्ड एंडेमिक। ठीक है, आई होप आपने समझ लिया होगा। पहले आपने देखा था, पहले के ज़माने में प्लेग फैलता था, जिसको प्लेग कहते थे, चूहों से गांव के गांव ख़त्म हो जाते थे, हैजा कालरा पेचिस फैलता था, डायरिया फैलता था, गांव के गांव समाप्त हो जाते थे। तो ये इंडेमिक था, एक जो है लोकल स्तर की एक निश्चित क्षेत्र में फैलने वाली बीमारी, दैट इज कॉल्ड इंडेमिक। लेकिन इपिडेमिक जो होता है वो विश्व स्तर पर फैलता है या देश स्तर पर फैलता है। तो इसको हम लोग इपी मतलब विशाल होता है, इपिडेमिक इसको महामारी कहते हैं। और जो पूरे विश्व में एक ही समस्या हो, जैसे पूरे विश्व में एक समस्या आपने सभी ने झेला, कोरोना पेंडेमिक, तो ये क्या था? पैन माने एक होता है, आपको हम बता चुके हैं पैन थेइज्म, फिर आपको बताए हैं हम पैन कार्ड से कोरिलेट कर सकते हैं, तो आप इसको पेंडेमिक तो हो जाएगा एपिडेमिक का सिनोनिम, लेकिन अब ऑप्शन में है ही नहीं। तो एंडेमिक तो इसका उल्टा हो गया, लोकल भी इसका सिनोनिम हो गया, नेचुरल भी इसका सिनोनिम हो गया, इट मींस ये तीनों मिल रहे हैं। तो वाइड स्प्रेड मतलब होता है बृहद स्तर पर, विश्व स्तर पर फैलने वाली बीमारी। समझ गए होंगे, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। बताइएगा डिक्शनरी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? शुरू में मैंने एक बार जिक्र किया है ना लेक्सिकोग्राफी के लिए, DICTIONARY। अब आपको नहीं भूलना चाहिए डिक्शनरी, नरी ध्यान रखिएगा, तो NARY दिमाग में बना रहेगा। क्योंकि बच्चों अपना उच्चारण जब आप बनाएंगे, अपना प्रोनंसिएशन जब आप बनाएंगे, तब भूलने के चांसेस नहीं रहते हैं। ठीक है, मेरा अपना मानना है कि हर विद्यार्थी अपने पढ़ाई को लेकर के अपने नोट्स तैयार करता है और अपने तरीके से ही किसी टॉपिक को कंठस्थ कर सकता है। किसी का नोट्स, किसी का तरीका, किसी को नहीं समझ में आएगा, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। तो आप अपना तरीका विकसित कर सकते हैं, मुझसे थोड़ा सजेशन आप पा गए कि ऐसे मैम करती हैं तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि हम तो यही तरीका अपनाते हैं कि हम किसी स्पेलिंग का अपना उच्चारण बनाते हैं और उसी को हम अपने दिमाग के किसी कोने में रख लेते हैं, और जब भी स्पेलिंग का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो बच्चों हम तो यही करते हैं कि चारों ऑप्शन को हल्के से देख लिया कि क्या पूछा है, और हम फटाफट जाकर किनारे कहीं लिख लेते हैं, बाद में उसी लिखे हुए स्पेलिंग को आ करके अपने ऑप्शन में मैच करा लेते हैं, तो कन्फ्यूज़न होने के चांसेस नहीं रहते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेलिंग सही जाती है, क्योंकि जब आप अपने उस आँख बंद करके उस पन्ने को दिमाग में पलटते हो जो आप कभी पढ़े थे, तो कभी नहीं गलती होती है। इसलिए अपना तरीका अपनाएं, आप किसी के लकीर के फकीर ना बने कि ऐसा किया था किसी ने। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। क्लासेज बच्चों कभी कभी लंबी हो जाती है, तो प्लीज़ आप धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आज का धैर्य ही हम सबको बहुत आगे ले जाएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आपने बहुत धैर्य से सुना, थैंक यू सो मच। नोट्स बनाते रहें, क्लासेस को शेयर कर दें, लाइक कर दें, थैंक यू।